हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के Q4 रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और कंपनी ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। जैसे आप देख रहे हैं 285% यहाँ पे आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अडानी पोर्ट्स कैसा कर सकता है कल, और सबसे ज़रूरी Q4 रिजल्ट्स कैसे निकल के आए हैं, क्या कंपनी ने देखिए यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई है, और यहाँ पे कल स्टॉक में किस प्रकार की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड अबाउट स्टॉक अपडेट्स, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट करिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अडानी पोर्ट्स के Q4 रिजल्ट्स के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं। तो देखिए, अडानी पोर्ट Q4 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट जम्प्स 285% YOY टू ₹1,288 करोड़, ऑपरेटिंग रेवेन्यू राइजेस 24%। तो दोस्तों, कंपनी ने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है करीबन 285% का YOY बेसिस पे, यानी देखिए साल बर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें करीबन 285% का आपको इंक्रीज देखने को मिला है, जो करीबन 1,288 करोड़ के आसपास रहा है। और जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो दोस्तों यहाँ पे 24% के आसपास का आपको राइज दिखा चुका है। तो कंपनी ने बढ़िया देखिए प्रदर्शन किया है, बढ़िया नंबर्स निकल के आए हैं। तो कंपनी का दोस्तों जो रिजल्ट निकल के आया है उसमें देखिए सबसे जो बड़ा हाईलाइट रहा है वो कंपनी का प्रॉफिट है, क्योंकि करीबन 285% का बहुत बड़ा जंप, जो पहले सिर्फ 334 करोड़ प्रॉफिट था, इस बार कंपनी का प्रॉफिट रहा है 1,287 करोड़। तो जो 334 से आप करीबन देखेंगे 1,287 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट रह चुका है, जो करीबन 285% का आपको YOY में इंक्रीज दिखाता है। तो डेफिनेटली कंपनी ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। कंपनी ने देखिए यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट किया है करीबन 334 करोड़ का देखिए लास्ट ईयर। अब ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे तो वो करीबन यहाँ पे 24% राइज हो चुका है, जो करीबन 3,608 करोड़ पे रहा है, जो पहले सिर्फ 2,921 करोड़ पे था। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे जो इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वहाँ पे भी बढ़िया इंक्रीज दिखाया है, करीबन 3,608 करोड़, जो 24% का यहाँ पे आपको इंक्रीज़ दिखाता है। अगर हम एबिटा पे नज़र आए तो करीबन 39% का वहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो करीबन 2,287 करोड़ पे रहा है। अब कंपनी ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ पे करीबन 73 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो इस मार्च में आता हुआ देखने को मिला है, जो करीबन 27% YOY बेसिस पे ऊपर है। और यहाँ पे देखिए जो उनका ये कृष्णपट्टनम पोर्ट है वो उन्होंने एक्वायर किया है अक्टूबर 2020 में, जो करीबन यहाँ पे 220 MMT के बेसिस में आता है। तो कंपनी ने ओवरऑल देखिए कह सकता हूँ कि बढ़िया रिजल्ट पेश किए, और जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया। और अब देखिए अडानी पोर्ट के स्टॉक में जो लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, लगातार बढ़िया कर रहा है स्टॉक। अब इस बेसिस पे जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे, इस बेसिस पे कल क्या कर सकता है, चलिए आपको अब ये बताता हूँ। तो देखिए, रिजल्ट से पहले आज स्टॉक ने ठीक ठाक तेज़ी दिखाई है, 768 पे क्लोजिंग दिया है, ₹7.35 बढ़ा था, 1% के आसपास की तेज़ी। देखिए मार्केट गिरा, इसके कारण आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। अगर आज के चार्ट पे नज़र डालता हूँ तो आप देखिए स्टॉक के अंदर काफ़ी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा था, लेकिन वो गिरावट के कारण देखिए स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन ओवरऑल आप देखिए पिछले एक साल के अंदर अपने निवेशकों को अडानी पोर्ट ने करीबन यहाँ पे रिटर्न कमा के दे दिया है, वो है 172%। और अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूँ तो पिछले 6 महीने के अंदर आपको स्टॉक में करीबन 117% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। इस महीने के अंदर देखिए स्टॉक में आपको थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है बढ़िया तेज़ी के बाद, तब भी देखिए 5% के आसपास अब आपको ऊपर नज़र आता है स्टॉक। और ये जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो दोस्तों इसको और भी ऊपर जाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। और इन लेवल्स पे आपको बिल्कुल अडानी पोर्ट्स के अंदर बने रहना है जिन लोगों ने पहले से ले रखा है, और करंट लेवल्स पे बाइंग करनी है। तो करना क्या होगा आपको, कल बाय करना है देखिए करंट लेवल्स पे, यानी करंट मार्केट प्राइस पे। टारगेट रखने हैं दोस्तों यहाँ से आपको जो कल के लिए होंगे वो होंगे करीबन 800 रुपीज़ तक के, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पे आपको करना है करीबन 760 रुपीज़ का। तो इस शेयर को देखिए अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए, बढ़िया रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के बेसिस पे भी आप स्टॉक को ले सकते हैं और बढ़िया तेज़ी कर सकता है, बट स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट मेंटेन रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।